एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में तीन बहुएं तथा तीन बेटे रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी, साथ ही वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार में अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगीं। सुबह उठकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लगीं। तो छोटी बहू ने उनसे पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतने जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना, हमें अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने पीहर जाना है। तेरे तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व और भाई बहन के रिश्ते का महत्व। ये बातें छोटी बहू को बहुत बुरी लगीं और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठकर खूब रोई और बोली, आज अगर मेरा भाई होता तो मैं भी अपने पीहर जाती और अपने भाई को राखी बांधती, मैं भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर दूर के रिश्ते का एक भाई आया और साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और उसके साथ छोटी बहू को भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसे लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उसने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों से कहाँ थे और तुम इतने सालों तक मुझसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं सात समुंदर पार परदेश में कमाने के लिए गया था। फिर वे चलते चलते घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर उसकी भाभी ने अपनी नंद का खूब स्वागत सत्कार किया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। छोटी बहू ने अपने भाई को राखी बांधी। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसका खूब स्वागत किया। दूसरे दिन सुबह उसके भाई और भाभी ने उनके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसके भाई और भाभी ने खूब सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसका पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो बहुत पुराना हो गया था, अब अगर कुर्ता लेने जाएंगे तो हमें घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। तब वह बोला, नहीं मैं अपना कुर्ता वापस ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वे दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हो गए। जैसे ही वे दोनों भाई के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके भाई के महल जैसे घर की जगह एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उस पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है, बता कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लाया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए कि तुझे लेने आया था, बता कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए।
और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। ये मुझे हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधती आई है और अब मैंने इसके भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने इसे अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। जय श्री कृष्ण।